नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द एंगल में। मैं गरिमा गौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सभी कलेक्टर एसपी को बजरी खनन पर रोक लगाने के दिए निर्देश। राजस्थान सरकार ने 4 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 20 मिनट तक चली मुलाकात। दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश की जनता की उम्मीदों को कल लगेंगे पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में पेश करेंगे आम बजट। राजस्थान विधानसभा में कई प्रस्तावों पर हुई चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों को लेकर हुई तकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बजरी खनन को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। देश की शीर्ष अदालत ने राजस्थान सरकार और जिला मजिस्ट्रेट और राज्य के प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि वे अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाएं। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अवैध बजरी खनन के कारण पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को 4 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है। उल्लेखनीय है कि अवैध खनन मामले में नवीन शर्मा ने याचिका लगाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से पहले सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में 70 लाख भारतीयों के जुटने के दावे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ट्रंप भगवान राम है जो उनके स्वागत में 70 लाख लोग जुटेंगे। गौरतलब है कि ट्रंप ने अपने भारत दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेकर मोटेरा स्टेडियम तक 70 लाख लोग उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप बस अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, फिर उनके लिए 70 लाख लोगों को खड़ा करने की क्या जरूरत है। हम हिंदुस्तान के लोग उनकी पूजा करने के लिए खड़े नहीं होंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। ये तकरार एल्गार परिषद और भीमा कोरेगांव की हिंसा की जांच को लेकर है। एक ओर शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एल्गार परिषद की जांच एनआईए को सौंपने की मंजूरी देकर देशद्रोह और सामान्य हिंसा के मामले के बीच एक लकीर खींची है, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार इस बात पर अड़िग है कि इसकी जाँच एसआईटी से भी समांतर रूप से करवाई जाए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एल्गार परिषद की जांच एनआईए से करवाने के उद्धव के फैसले की कड़ी आलोचना की थी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण शुरू करने की प्रक्रिया अपने आखिरी दौर में है। इस बीच मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग ने इसमें अड़ंगा डालने की नई कोशिश की है। समुदाय के 9 लोगों ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पत्र लिखकर दावा किया है कि पूर्व में विवादित रही कुल 63 एकड़ जमीन में से 5 एकड़ जमीन कब्रिस्तान की है। हालांकि इन लोगों के दावे पर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने की नसीहत दी है। इकबाल अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देश के सभी हिंदू मुस्लिमों ने सम्मान दिया है। अब इस तरह का पत्र लिखना सांप्रदायिक तौर पर नया विवाद खड़ा करने जैसा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दरअसल विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार सेवकों पर गोली चलाने वाली घटना का जिक्र करते हुए मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली। नागरिकता कानून के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुए विरोध के दौरान उपद्रव मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराते हुए सपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में लाखों कार सेवकों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए चलाई गई गोलीबारी की घटना को याद करते हुए सपा को जमकर घेरा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री फिल्म अभिनेता को श्रद्धांजलि देने पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेता तापस पॉल को श्रद्धांजलि देने के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि तापस पॉल सुल्तान अहमद की मौत केंद्रीय एजेंसियों द्वारा बनाए गए दबाव और केंद्र सरकार की प्रतिशोध की राजनीति की वजह से हुई। बंगाली फिल्मों के जाने माने अभिनेता एवं तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद तापस पॉल का मंगलवार को तड़के दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तापस पॉल की मौत पर ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार के दबाव ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली। एजेंसियों के इस दबाव की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सुल्तान अहमद टीएमसी सांसद प्रसून बनर्जी की पत्नी और तापस पॉल। चेन्नई में भारी संख्या में लोगों ने CAA, NRC और NPR के विरोध में प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने वालाजहां रोड से राज्य सचिवालय की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि तमिलनाडु विधानसभा भी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करे। रैली की शुरुआत कलिवानार आरंगम से हुई। सीए के खिलाफ निकाले गए मार्च में हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और तिरंगा झंडा ले रखा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी, जो करीब 20 मिनट तक चली। बाद में केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मुलाकात में दिल्ली के तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी से मिला, बहुत ही फलदायी मुलाकात रही। दिल्ली से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। हम दोनों सहमत हुए कि दिल्ली के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। राज्य की गहलोत सरकार गुरुवार को राज्य का आम बजट पेश करेगी। विधानसभा में सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वित्त मंत्री के तौर पर सरकार का आम बजट पेश करेंगे। बजट के चलते गुरुवार को प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही नहीं होगी। सरकार के इस बजट से जनता को खासी उम्मीदें हैं। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बजट को अंतिम रूप दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। माना यह जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत के तीसरे शासन का ये दूसरा पूर्णकालिक बजट होगा, जिसमें जनकल्याणकारी योजनाओं पर फोकस रहेगा। कल जो हमारा राज्य सरकार का बजट आने वाला है, उसमें मुझे मेरी विधानसभा नदवई से बहुत उम्मीदें हैं। मैं समझता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय चिकित्सा मंत्री श्री रघु शर्मा द्वारा जिस तरह निरोगी राजस्थान का नारा दिया गया है, तो मैंने क्षेत्र में सीएससी पीएससी की मांग की है। लंबे समय से हमारे पूरे क्षेत्र में सड़कों की जो मांग चली आ रही थी, मैंने सड़कों के लिए भी उम्मीद है और सड़कों के साथ साथ स्कूलों की भी उम्मीद है। स्कूलों के साथ साथ में जो एक बड़ी समस्या है पूरी विधानसभा क्षेत्र में, कहीं भी कोई किसी तरह का हमारे यहाँ विश्राम गृह नहीं है, उसकी भी मुझे उम्मीद है। और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब बहुत संवेदनशील हैं विकास को लेके, और निश्चित तौर पे पूरी उम्मीद के साथ हमें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरूर हमें कुछ ऐसी चीज़ें मेरे क्षेत्र के लिए मिलेंगी जिससे पूरे क्षेत्र का लाभ होगा। कल मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सभी वर्गों से पहले चर्चाएँ की हैं। युवाओं को बुलाया गया, किसानों को बुलाया गया, और भी क्षेत्र के अलग अलग विभागों लोगों को बुलाया गया, और सबकी जो ज़रूरतें हैं, जो रूट लेवल की ज़रूरतें, उनको समझा है, सोचा है, उसके मुताबिक इस बजट को तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कल का बजट में हर एक वर्ग का ध्यान रखते हुए राजस्थान की प्रगति के लिए एक अच्छा बजट पेश होगा। प्रदेश का नया बजट आने वाला है, लेकिन पिछले बजट में हुई कुछ घोषणाएं अभी तक अधूरी है। खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम में 2 करोड़ की लागत से शेड निर्माण का कार्य अब तक नहीं हुआ। भाजपा विधायक रामलाल शर्मा के प्रश्नकाल में लगे एक सवाल के जवाब में ये बात खुद खेल मंत्री अशोक चांदना ने स्वीकार की। हालांकि चांदना ने ये भी कहा कि इस संबंध में एमओयू हो चुका है और इसके टेंडर भी फ्लोर किए जा चुके हैं। दरअसल रामलाल शर्मा ने सवाल लगाया था कि उम्मेद स्टेडियम में बनने वाले शेड निर्माण पर अब तक कितना पैसा खर्च हुआ है और क्या इसकी घोषणा पिछले बजट में की गई थी। प्रश्नकाल के दौरान मैंने सरकार से पूछा कि सदन के नेता ने बजट में घोषणा की थी कि उम्मेद स्टेडियम जोधपुर के अंदर हम 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है और 2 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके वहाँ खेल सुविधाओं को बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन सरकार के मंत्री ने उत्तर दिया कि कुछ दिनों बाद के अंदर कल सदन के नेता बजट पेश करेंगे, दूसरा बजट पेश करेंगे, लेकिन 1 साल के अंदर 1 रुपये का कार्य भी उम्मेद स्टेडियम के अंदर नहीं हुआ, राशि कोई खर्च नहीं की। दूसरा प्रश्न मैंने मंत्री से पूछा कि क्या मंत्री ये बताएं कि इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने RSRTC से MOU किया है, तो MOU कब किया गया, तो सदन के अंदर मंत्री उस तारीख को बताने में भी सफल नहीं हुए, उन तारीख भी उनको पता नहीं है। तो हमने कहा कि सरकार के सदन के नेता के द्वारा घोषणा की गई, सदन के नेता के गृह जिला वो सिर्फ 2 करोड़ रुपये की राशि, उसके बावजूद भी वो खर्च नहीं होना, ये इस बात को इंगित करती है कि राजस्थान के जिन अधिकारियों ने ये लापरवाही की है, क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मंशा रखती है, तो इसमें भी मंत्री ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। इस बात से ये लगता है कि राजस्थान की सरकार संवेदनशील नहीं है और सरकार जनहित के जुड़े हुए मुद्दों का समाधान करना नहीं चाहती, सिर्फ थोती घोषणाएं करके वाहवाही लूटना चाहती है।
धरातल के ऊपर सरकार कोई काम करना नहीं चाहती। प्रदेश में संचालित मदरसों को जल्द ही संवैधानिक दर्जा मिलने वाला है। इसके लिए प्रदेश सरकार जल्द ही बिल लाएगी और इसके बाद मदरसों में कार्यरत कर्मचारियों के तबादले और अन्य सेवाओं से जुड़े नियम भी बनाए जाएंगे। विधानसभा के प्रश्नकाल में विधायक अमीन खान की ओर से लगाए गए एक सवाल के जवाब में ये जानकारी अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने दी। अमीन खान ने अपने सवाल के जरिए ये पूछा था कि मदरसों में लगे पैरा टीचर को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर किया गया है तो उनकी जानकारी दें और क्या इनके स्थानांतरण करने की कोई नीति है। इस बीच स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि जब नीति नहीं है तो तबादले हुए तो क्या, भविष्य में ऐसी कोई नीति बनेगी स्पष्ट करके सदन में बताएं। विधानसभा में विधायक पानाचंद मेघवाल ने रिजर्जेंट राजस्थान को लेकर सवाल लगाया, जिसके जवाब में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछली वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। इस दौरान मीणा ने बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए रिजर्जेंट राजस्थान कार्यक्रम के तहत 19,202 करोड़ की 83 योजनाएं प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है। पूरक प्रश्न के जरिए विधायक पानाचंद मेघवाल ने कहा कि मंत्री जी, मैंने एक समाचार पत्र में इस संबंध में आपका बयान भी पढ़ा, जिसमें आपने कहा है कि रिसर्जेंट राजस्थान आयोजन में करीब 80 करोड़ की अनियमितता की शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई है। इस पर मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार के समक्ष अनियमितता की कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन लोकायुक्त के पास शिकायतें गई हैं। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सिरोही में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में गड़बड़ी का मामला उठाया। पर्ची के माध्यम से उठाए गए सवाल में विधायक ने कहा कि इस मामले में 50 करोड़ से ज्यादा के भुगतान में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जिन 9 बिंदुओं के जवाब उन्होंने अपने प्रश्न के माध्यम से मांगे हैं उनका गोलमाल जवाब विभाग की ओर से दिया गया है, जबकि सिरोही कलेक्टर ने इसे प्रमाणित मानते हुए सभी 9 बिंदुओं पर जवाब भेज दिए हैं। विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री की जुबान भी फिसल गई और उन्होंने पहले गुलाबचंद कटारिया को सदन का नेता और फिर उपनेता कह डाला। इस दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर तूतू मैमें भी हुई। देखिए क्या क्या हुआ विधानसभा में। देखिए, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष बटा हुआ है, नेता प्रतिपक्ष को विपक्ष के माननीय सदस्य मान नहीं रहे। आपने कल देखा होगा कि जब प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष ने बहिर्गमन के अपने दल के साथ घोषणा कर दी, उसके बावजूद मदन दिलावर जी खड़े रहे और जो किरण महेश्वरी जी हैं वो भी बाहर नहीं गई, अंदर की अंदर ही घूमती रही। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कैलाश मेघवाल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो पूरी पार्टी के साथ नहीं जा करके अकेले खड़े थे, उनको धमकाया गया। मैं समझता हूँ जो कल कटारिया जी के लिए जो वो सदन में बोले थे उसके लिए जब हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा तो उनको इतना गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं थी। जो सत्य था वही धारीवाल जी ने कहा था। हम जब प्रतिपक्ष में थे तो कटारिया जी ने रमेश मीणा जी के प्रश्न के जवाब में ये कहा था, जब उन्होंने मुद्दा उठाया था तो उन्होंने कहा कोई पेड़ पे किसान लटक के मर जाए तो मैं सरकार क्या कर सकती है, यानी सरकार कटारिया जी थे क्योंकि वो आपदा राहत मंत्री थे। राजस्थान की जनता ने हमें जो राजस्थान की विधानसभा में भेजा है तो हमारा हर सदस्य का दायित्व तो बनता है कहीं भी अनियमितताएं या अधिकारी हो, चाहे कोई कितना बड़ा हो, अगर कोई गबन और घोटाला अनियमितताएं करता है तो पात्र लोगों के लिए जो जिनका वाजिब हक है उनकी पैरवी करना हमारा फर्ज है। हाल ही दिनों में आरआई जो भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार का प्रमोशन जो राजस्थान में दिया गया, मैंने बात रखी कि पहले विभाग ने पात्र वरीयता सूची बनाई और उन सूची को नजरअंदाज करते हुए मन मर्जी से जो 10 साल तक नहीं बन सकते थे उन आरआई भू अभिलेख निरीक्षक को नायब तहसीलदार बना दिया गया और जो पात्र लोग थे उनका हक मारा गया। मैंने मंत्री जी से यही निवेदन किया कि आपको अंधेरे में रख के ये घोर पाप किया है, यह आपकी जानकारी में है कि जिस जीएसटी की यहाँ पर चर्चा हो रही हो और उसी समय में
फिर दोबारा परिवहन विभाग में जीएसटी चोरी का जो अभी मामला एक सामने आया था, परिवहन विभाग में जो भ्रष्टाचार सामने आया था उसमें मुख्य रूप से जीएसटी चोरी का ही मामला था, और उस जीएसटी चोरी आज भी एक स्टिंग ऑपरेशन में एक मीडिया ग्रुपों के द्वारा रतनपुर बॉर्डर पर फिर पकड़ा जाना, मैं समझता हूँ ये राजस्थान को शर्मसार करता है। राजस्थान में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, अधिकारियों पर कंट्रोल खत्म हो गया है। इतनी बड़ी एसीबी की कार्रवाई के बाद लगातार दूसरे दिन तीसरे दिन हर जगह पर भी स्टिंग ऑपरेशन में फिर अधिकारी चोरियां करते हुए पकड़े जा रहे हैं, फिर अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, फिर अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। मुझे लगता है सरकार पूरी की पूरी सरकार इसमें शामिल है, और ये केवल जो है वो दिखावा मात्र है। लोग तो इसके बड़े बड़े आंकड़े लेकर घूम रहे हैं कि ये तो केवल ऊँट के मुँह में जीरा था जो राशि पकड़ में आई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े सरकार के लोग लेकर घूम रहे हैं। मैं समझता हूँ सरकार को, अशोक गहलोत जी को, मुख्यमंत्री जी को सामने आकर इसमें अपनी सफाई देनी चाहिए और अधिकारियों पर अपना कंट्रोल बनाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, बने रहें द एंगल के साथ। नमस्कार।